अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, YouTube चैनल नसीर ऑटो सर्विस की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आप तमाम दोस्त हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारे पास 150 होंडा का एक 150 सीसी होंडा का हेड आर्म, और वो आपको इंशाल्लाह फिट करके बताएँगे। और ये इसके ये वाल हैं दोनों, और ये वाल सीलें, वाल इसमें फिट करके इसके गाइड वगैरह लगवा लिए हैं हमने खराद से, और इसको अब फिट करना है। फिट करके आप दोस्तों से शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों, ये अब वाल सील जो है मैं ऊपर लगा रहे हैं इसके वालों के ऊपर, और एक लगा दी है पहले। आप इसके ऊपर स्प्रिंग वगैरह काटने वगैरह फिट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर बाद में रिंग के बारे में आपको बताएंगे। ये वाल लग गए ऊपर, वाल के स्प्रिंग और काट रहे हैं ये। आपके सामने ये एक वाल के स्प्रिंग भी और उसके काटर भी लग गई है। अब हम आपको दूसरे वाल की काटर लगा के बताते हैं। बहुत इजीली आराम दे सुकून दे काम हो रहा है, और इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये वाल के नीचे कपड़ा रखते हैं, इसलिए कि वाल जो है ना वो पीछे ना हटे। जब उसमें काटरें लगानी है ना, वाल पीछे ना हटे, इसलिए इसके नीचे कपड़ा या कोई और सपोर्ट रखनी चाहिए, वो रखते हैं। इसमें बहुत आसानी से वाल की काटरें वगैरह फिट हो गई। अब ये दोनों दोस्तों, ये वाल काटरें जो है ना, बगैर वाल लिफ्टर के भी डाल दी जाती हैं, और आसानी से इजीली आपके सामने हाथ से डाली हैं, और ये बिल्कुल मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से। दोस्तों, हम आपको अब रिंग पिस्टन में डाल के बताएँगे कि रिंग जो है ना वो कैसे डालने हैं, क्योंकि कुछ दोस्त रिंग जो है ना वो सही तरीके से नहीं डालते, इसलिए उसकी लाइफ में फ़र्क आता है। गाड़ी जल्दी ब्लो मारना शुरू कर देती है, और उसका जो है ना जो कस्टमर है वो शिकवा करता है, यार हमने अभी काम करवाया थोड़े दिन पहले और गाड़ी फिर ब्लो मार रही है। दोस्तों, इसको देखने से पूरा आपको पता चल जाएगा। तो काम जो है ना वो हम बता रहे हैं आपको। और आप इसको दूसरे दोनों रिंग डालेंगे। ये दूसरा रिंग डाल रहे हैं हम। दोस्तों, इसमें रिंग में ख़ास चीज़ जो है ना, ख़ास बात वो ये बताने की है, क्योंकि रिंग बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं चलता, रिंग टेपर होता है, कैसे डालना है, ऐसे डालना है, ऐसे डालना है। उसका आसान तरीका जो है ना, उसके जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर वाली साइड ऊपर करनी है, टॉप वाले पास से। इसको ये पहले ब्लैक वाला रिंग डालना है ऑयल रिंग के ऊपर साथ, और बाद में हमने इसको टॉप रिंग जो है ना वो डालना है, उसको भी ऐसे ही देखना है, उसके जो नंबर वाली साइड है ना ऊपर रखनी है। ये बहुत अच्छी बात होती है, जो मैकेनिक काम करता है जिस वक्त तो अपने रिंग का पिस्टन का ये ख़ास ख्याल रखता है, क्योंकि अगर इसका रिंग उल्टा डल जाए तो ये पिस्टन की जरी में फंस जाता है रिंग, और गाड़ी बिल्कुल न्यू गाड़ी भी ब्लो मारना शुरू कर देती है। अब हम ये रिंग आपको सिलेंडर में डाल के आसानी से डाल देंगे। इसको ऑयल लगाना है, रिंगों को ऑयल लगाने से रिंग ख़राब नहीं होते और आसानी से सिलेंडर में डाल जाते हैं। इधर भी ऑयल लगा लेना है सिलेंडर में, और इसकी पहले भी हमने आपको बताया होगा दोस्तों को कि इसका जो है ना रिंग, उसका मुंह किस तरफ करना है। बहुत सारे दोस्त अभी भी गलती करते हैं कि उसका जो रिंगों का मुंह है ना वो सेट नहीं करना आता दोस्तों को। इसका जो है ना, ये सिलेंडर जो है ना, इधर इसको सिलेंडर को आप देखें, स्टड टू स्टड, यानी कि चार इसके रिंग जो है, एक का इधर मुंह, दूसरे का इधर मुंह, तीसरे का इधर मुंह, चौथे का इधर मुंह, और रिंगों का चारों का, ये यानी कि दो रिंग ऊपर वाले और दो रिंग ऑयल रिंग जो है, इनका मुंह सारी तरफ साइडों की तरफ, यानी कि स्टड टू स्टड इसको सेट करना होता है। अब हम इसमें पेन लगाएँगे
पिन लगा के फिर आपको दिखाएंगे कि पिस्टन जो है हमने डाल दिया सिलेंडर में, क्योंकि जो लोग गाड़ी में डालते हैं ना फिट उधर इंजन। ये दोस्तों इसकी पिन लग रही है, ये आसानी से लगी हाथ से, इसको कोई चोट नहीं लगानी पड़ी, कोई बात नहीं है दोस्तों। ये हम जो रिंग और पिस्टन डाल रहे हैं ये रिंग है, असल जेन्युइन होंडा कंपनी का रिंग है, और इसका ये असल जेन्युइन पिस्टन है होंडा कंपनी का 150 का होंडा 150 cc यानी कि 150 होंडा का पिस्टन है। अब हम आपके सामने इंशाल्लाह कोई छुपा के काम करने वाली बात नहीं है, क्योंकि असल जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ इसी वजह से बना रहे हैं कि दोस्तों को पता चले कि इसमें रिंग कैसे डालने हैं, पिस्टन कैसे डालना है। ये हमने इसमें पिस्टन डाल दिया है और ये रिंग हम आपके सामने डाल रहे हैं, और बड़ी आसानी के साथ ये देखो कोई परेशानी नहीं, और पिस्टन डल गया इंशाल्लाह। ये पिस्टनों को फिर एक दो दफ़ा आगे पीछे कर लें ताकि कोई रिंग वगैरह कोई मसला हो वो अपनी जगह में बैठ जाता है दोस्तों। इंशाल्लाह सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस गाड़ी के हमने रिंग सिस्टम डाले हैं और उसका अब आपको फोन चेक कर लें इंशाल्लाह, बहुत अच्छा है।